दोस्तों असम में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है इस वीडियो में आप सभी को मैं डिटेल्स में बताने जा रहा हूं। इन लोग जो देख रहे हो इन लोग का ऊपर क्या हो रहा है, ये क्या अत्याचार है या नहीं, आप सभी वीडियो देख के बोलिएगा। मानता हूं ये भूमि जो है सरकार का है और सरकार के ये लोग किनका है, ये लोग भी तो सरकार के है। इन लोग कहाँ से यहाँ आया, 30-40 साल से यहाँ इन लोग भूमि पर है, तो 30-40 साल के बाद इन लोग को अगर हटाना है तो उन लोग को दूसरा कहीं जगह तय किया जाना चाहिए टाइम के वक्त में। इतना आज 700-800 हजार घर तबाह किया गया सरकारी जमीन से, मैं मानता हूँ सरकारी जमीन खाली होना चाहिए, लेकिन इन लोग तो इंसान है, इन लोग का तो सरकार की ही लोग है, इन लोग को टाइम देना चाहिए, इन लोग को सरकार ने दूसरा कहीं पे, अभी इन लोग कहाँ जाएगा, इन लोग कहाँ से आया वो पहले देखना चाहिए, सरकारी जमीन पे क्यों आया। असम में आप सभी को पता है ब्रह्मपुत्र नदी ने कहीं इधर से तोड़ देता है 100-100 हजार बीघा जमीन और दूसरे में भी बहुत एकड़ जमीन तोड़ के मतलब नदी में चला जाता है, तो उन लोग कहाँ जाते हैं, ऐसे ही दूसरा कहीं सरकारी जगह पे आश्रय लेता है, कोई कहीं जमीन पर लोगों को पैसा दे के जाते हैं। तो अभी इन लोग 30-40 साल से था सिपाजार नाम के जो दरंग जी डिस्ट्रिक्ट का सिपाजार के एक जगह पर इन लोग इतना सालों से है और ये लोग बच्चा घर सबको आज तबाह किया गया। मैं ज़्यादा कुछ नहीं आप सभी का सामने कह रहा हूँ, जो ये क्या सरकार सही क्या, हम लोग सरकार के विरुद्ध नहीं है, लेकिन ह्यूमनिटी की एक वो होता है, लोगों का एक मौलिक अधिकार है अपना वस्त्र अपना घर अपना परिवार देश में स्वाधीन होने चाहिए और है ही। अगर ऐसा नहीं है तो ये देश के लिए और इन नगरों के लिए इन लोगों के लिए बहुत दुर्भाग्य है। मेरा मकसद ही नहीं था ये वीडियो बनाने का, मैं फेसबुक में अपडेट करके मैं सोचा वहीं पे ही ख़त्म कर दूं, लेकिन मन नहीं कह रहा है, जब आप सभी का सामने कम से कम शेयर करूं, आप लोग इन लोग के लिए दुआ करें, इन बच्चों के लिए दुआ करें, अभी इन लोग कहाँ जाएगा। कोई भी एक बच्चा कोई छोटा से बड़ा हो रहा है, मेरे जैसे उम्र तक हो गया लोग, लेकिन वहीं पर ही है और आखिर ये हाल हुआ है कुछ दिनों बाद। और इतना पुलिस इतना में सरकार के लोग गए हैं, जैसे लग रहा था यहाँ कोई बड़ा कुछ होने वाला था। खैर ज़्यादा कुछ नहीं टिप्पणी देता हूँ, सरकार सरकारी है, सरकार को हम लोग बनाया है, अगर अभी सरकार जो कहेगा जो करेगा वो सब हम लोग को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार हम लोग ही ने बनाया। 3 मस्जिद शहीद किया गया और 1 मंदिर शहीद किया गया। हमारे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने बोला है जो मंदिर है उनको सही तरीका से सही दोबारा बनाया जाएगा, लेकिन मस्जिद जो है वो तो अवैध, मतलब ये सरकारी जमीन है अवैध यानी जगह पर है, तो ये तो बात ही नहीं आते है ना, मंदिर को बनाया दिया जाएगा, ये कैसा इंसाफ है। आप मंदिर में पैसा डाल रहे हो, मंदिर बना रहे हो, ये तो सभी का पैसा है, अगर आपने मंदिर में बनाना है तो मस्जिद में भी देना चाहिए। बहुत सारे बात है दोस्तों, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं इतना ही कह रहा हूँ, जो आप लोग इन लोग के लिए दुआ करें और असम सरकार ऐसे जो कर रहा है उसको मैं भला या बुरा कुछ नहीं कहूँगा, अच्छाई के लिए कर रहा है ना, जगह खाली अच्छाई के लिए कर रहा है, सरकार तो बुराई के लिए नहीं कर रहा है। लेकिन आखिर सरकार को यह रिक्वेस्ट है, मैं असम सरकार के साथ भारत सरकार को यह रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो इन लोग को कहीं दूसरे सही स्थान पे जगह दिया जाए, इन बच्चों के खातिर इंसानियत के खातिर इन लोग को इंसाफ दिया जाए। इन लोग दूसरा देश से नहीं आया है, इन लोग यहाँ का ही नागरिक है, दूसरा जिले से दूसरा जगह से, बाढ़ में पानी हुआ नदी चला गया नदी में दहल गया अपने जमी, तो उन लोग कहाँ जाएगा, कहीं सरकारी जगह पे आज 30-40 साल से इन लोग रह रहा था और अब तुरंत ही इन लोग को हटाना है, हटा भी दिया सब घर बड़े, तो सब आप लोग देखे होंगे वीडियो में, मैं ज़्यादा नहीं शेयर कर पाऊँगा इसमें क्योंकि यूट्यूब का खिलाफ बन जाएगा या कॉपीराइट लग जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ सरकार इन लोग को सही मुकम्मल एक साइड में जगह दे, संविधान के जो कानून के दायरे में है अगर इन लोग को कुछ मिलना है तो मिलाइए दीजिए, ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा उतना ही। जय हिंद, जय आया हो।